स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन दीपावली बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। दीपावली के दिन सारा बाजार गुलगुलजार रहा। दो दिन की मंदी के बाद रायसेन में दीपावली का बाजार उठान पर रहा। हम अपने दर्शकों को बताते हैं बाजार की मुख्य बातें। सोना चांदी बर्तन आतिशबाजी सजावट के सामान की हुई भारी बिक्री। रेडीमेड और कपड़ा व्यवसाय में छाई रही मंदी। मिलावटी मिठाई भी खूब बिकी। फूड विभाग सोता रहा। घर घर सजाई गई रंगोलियां। राजस्थान से आए ट्रकों और बसों में सजाने वाले आइटम के व्यापारी। दीपावली के अवसर पर रायसेन के मुख्य बाजार भीड़ भाड़ से भरेन रहे। भोपाल सागर तिराहे से लेकर सांची मार्ग तक आज भारी भीड़ देखी गई। आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदारों ने अपनी दुकान आधे रास्ते तक लगा ली थी, जिसके वजह से बार बार जाम की स्थिति बनी। बाकी सड़क को वाहन वालों ने घेर रखा था। जहां तहां दो पहिया और चार पहिया वाहन खड़े करके लोग गायब हो गए, वहीं प्रचार वाहन भी कोलाहल करते रहे। जहां 350 से 400 रुपए किलो मावा है, लेकिन बाजार में कुछ दुकानों पर मात्र 250 रुपए किलो मिठाई बिक रही थी। सोना चांदी के सामान एवं बर्तन आतिशबाजी दिया बाती की बिक्री में भारी उठाव देखा गया। वहीं रेडीमेड व्यवसाय एवं कपड़ा व्यापार ठप रहा। बच्चे और महिलाओं ने घर घर रंगोली बनाई। रात में लक्ष्मी जी की पूजा करके सभी लोगों ने दीपावली को भारी उत्साह से मनाई गई। रायसेन से इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्यूरो प्रमुख राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या भाव भेजो मिठाई? 250 रुपए किलो, 350 रुपए किलो। ये बोलो, ये कैसे पड़ती है आपको? ये मावा इतना महंगा है तो इसमें थोड़ा मावा थोड़ा मैदा शक्कर सब मिक्स करके 5-10 रुपए किलो हम लोग बचाते हैं। ट्रैक्टरों का सामान है, गाड़ी मोटर का, ट्रैक्टरों का। अच्छा, जो गाड़ी सजावट का सामान है, लोग दीपावली के लिए लगाते, शौक के लिए गाड़ी पे लगा के एकदम अपनी दीपावली खुशी के साथ मनाते हैं। और खुशी के साथ कहाँ से आए हो आप? हम लोग राजस्थान से जी। हर साल आते हो? हर साल आते हैं, 15 साल से। कितने का होगा एक पीस? ये 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, जैसे जैसा चीज है वैसे हिसाब से। इस बार सराफे का व्यापार कैसे चला? इस बार सराफे का व्यापार बहुत अच्छा है, पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ रेट बढ़े हैं क्या इस बार सोने चांदी में? हाँ, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन है रेट में, सोने और चांदी के दोनों के थोड़े से रेट बढ़े हुए हैं। मगर पिछले साल की अपेक्षा इस बार व्यापार कैसा रहा? थोड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल थोड़ा महंगा है। कारण क्या है? क्योंकि बारिश भी कम हुई है, और दूसरा क्या है कि फसल भी थोड़ी लेट है, और मंडी अब वैसे भी 10 रोज के लिए बंद है, तो उस वजह से थोड़ा सा फीका है व्यापार।